again. So let's go. Hello friends, welcome to my channel Tech Hunger. I am Ashwadhan Singh. You are here for latest tech news and website review. आज हम बात कर रहे हैं Stocks.com की और ये एक क्रिप्टोकरेंसी एंड बाइंग एंड ट्रेडिंग वेबसाइट है जहां पर आप क्रिप्टोस को बाय करते हैं एंड सेल करते हैं. सो योर क्वेश्चंस आर कि Stocks.com इज रियल और फेक, इज Stocks.com स्कैम और लेगिट, Stocks.com विड्रॉल पॉसिबल और नॉट. ये सारे वो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि यूजर्स वेबसाइट इस वेबसाइट के यूजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे डिटेल में. इफ पॉसिबल अगर प्रूफ अवेलेबल हुआ तो विद प्रूफ कि क्या इससे विड्रॉल वगैरह पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि जो ट्रेडिंग के एंथुसियास्ट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको ट्रेडिंग के लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जो कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स देती हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हिट द साइन अप बटन फर्स्ट. सो गाइस, आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर इसने जब हमने साइन अप बटन पे क्लिक किया और साइन अप के लिए पूरा जो फॉर्म आया, फॉर्म फिलअप करने के बाद, क्रेडेंशियल्स को फिल करने के बाद भी इसने हमसे किसी भी तरीके का कोई भी एक सिक्योरिटी कोड जो इशू किया जाता है यूजर्स को बिफोर द ऑनबोर्डिंग इन द वेबसाइट, ये इसने नहीं किया. तो ये एक बहुत ही सिक्योरिटी के नज़रिए से ये काफ़ी हीटल हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ उन हर वेबसाइट्स को देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एज परस्पेक्टिव फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ द यूजर फ्रॉम ट्रांजेक्शन डिपॉजिट टू एवरीथिंग, जो कि बहुत ही क्रूशियल होता है. एंड लेट्स गो टू द वॉलेट. यहाँ पर किस किस तरह के वॉलेट के जो किस तरह हम विड्रॉ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं आपको. विड्रॉ में ही हैं हम, और यहाँ पर आप जैसे ट्रांसफ़र और डिपॉजिट करते हैं तो आपको ट्रांसफ़र सिलेक्ट कॉइन करना होता है और डिपॉजिट के लिए, और अपना बैंक सर्विस चूज करना होता है. ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर एक जो कॉइन सिलेक्ट करेंगे आप, उसके बाद किसमें से आपको किसमें चाहिए ये चीज़ें इसमें होती है, और मैक्सिमम जो ट्रांसफ़र का है वो यहाँ पर आपको फिल करने के बाद पता चल जाता है. सो यहाँ पर आप ट्रांसफ़र इजीली कर पाते हैं. लेकिन क्या ये सब जो वेबसाइट क्लेम कर रही है, क्या ये सब रियल है या ये सब जान लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. और ये वेबसाइट कितने दिनों से है, कब से स्टेब्लिश हुई है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कितनी इसकी रिलायबिलिटी है, और ये यूज़र को कितने लंबे समय तक ये बेनिफिट दे सकता है, ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है. सो फ्रॉम द whos.com यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट हाल ही में रजिस्टर्ड हुई है, और इसके कोई भी एक जो लॉन्ग टर्म का जो क्रेडिबिलिटी होती है वो इसके पास है नहीं, और ऐसी वेबसाइट पर भरोसा करना एक क्रूशियल हो जाता है स्टेप फॉर अ ट्रेडिंग एंथुसियास्ट, जो इन सब चीज़ों से बचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और तो और इस वेबसाइट पे जो वेब ट्रैफिक है वो भी बहुत ही कम आता है, और जो कि इस चीज़ को बताता है कि ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए. सो इस बारे में ये बात ज़रूरी होती है कि ये चीज़ें हमें याद रखें और ऐसी वेबसाइट से बचें. फॉर सो माय लास्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो कि Stocks.com इज फेक वेबसाइट एंड इट्स क्रेडिबिलिटी इज लो, सो डोंट क्लिंक योर एसेट्स टू दिस वेबसाइट फॉर नाउ. And the website is credibility is very low. I am repeating my words, and it's a fake website. For more such videos, hit the subscribe button. If you like this video, click the like button. Thanks for watching.